hello children welcome to your evs video class children in evs we are doing a revision and uh, uh, in my previous video i was revising chapter number 14 for you uh, in today's video we will continue that and uh, after completing that if time permits i will start chapter number 15 also so let's uh, proceed with the revision work and uh, uh, you can note down uh, the sentences that I am giving, uh, giving you here for revision only. Uh, so, that uh, for uh, while studying for evaluation uh, 3, you can go through these uh, exercises. Okay, so let us start. Again, I will start with fill in the blanks only because I am revising the whole chapter in the form of fill in the blanks, or you can say one word answer also.

लेकिन स्पाइडर जो होता है उसके होते हैं एट लेग्स स्पाइडर हैज़ एट लेग्स थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे ये यह मैंने लिखा है स्पाइडर और ये है ए थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है तो ये ए लिखा हुआ है थोड़ा मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिख देती हूँ ओके नाउ इट इज़ ओके और स्पाइडर हैज़ एट लेग्स नंबर टू इज़ dash are animals that can fly that can fly they are called birds birds are animals that can fly then next one is dash is a बीस्ट ऑफ बर्डन बीस्ट ऑफ बर्डन किसको बोलते हैं जो एनिमल्स भारी सामान उठाते हैं लोड उठाते हैं लगेज उठाते हैं उन्हें हम कहते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन तो यहाँ पर आप किसी भी एक ऐसे एनिमल का नाम लिख सकते हैं जो भारी सामान उठाता है तो यहाँ पे आप हॉर्स लिख सकते हैं आप कैमल भी लिख सकते हैं म्यूल लिख सकते हैं डोंकी लिख सकते हैं ठीक है एलिफेंट भी लिख सकते हैं वो भी सामान उठाते हैं इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है uh, बुलक्स भी लिख सकते हैं यहां पर जो भी एनिमल uh, सामान उठाते हैं उनके नाम इसके अंदर आ सकते हैं मैंने यहाँ पे हॉर्स लिख दिया है देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट वन इज डैश इज द बेबी ऑफ शीप अब शीप के बेबी को क्या कहते हैं वो आपको यहाँ लिखना है आ, ये आपके बुक में तो नहीं दिया है लेकिन बुक की एक्सरसाइज में दिया हुआ है ये इसीलिए मैंने वहाँ से इसको दिया है दीज आर गिवन फ्रॉम योर एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज में दूसरी तरह से दिया है मैं यहाँ दूसरी तरह से दे रही हूँ तो यहाँ आपको लिखना होगा लैम्ब लैम्ब इज़ द बेबी ऑफ शीप देन कब इज़ दी बेबी ऑफ ब्लैंक अब कब किसका बेबी होता है चिल्ड्रन कब जो है वो लायन का बेबी होता है वो टाइगर का भी बेबी होता है वो बेयर का भी बेबी होता है ठीक है तो आप यहाँ पर लायन टाइगर बेयर लेपर्ड कुछ भी लिख सकते हैं वो सब करेक्ट माना जाएगा ठीक है नंबर सिक्स नंबर सिक्स इज द बेबी ऑफ हॉर्स इज कॉल्ड ब्लैंक अब हॉर्स के बेबी को क्या कहते हैं हॉर्स के बेबी को कहते हैं कॉल्ट या फिर फोल्ड भी लिख सकते हैं दोनों ही आंसर सही है कॉल्ट या फिर फोल वो द आंसर आर करेक्ट तो इसको नोट कर लीजिए उसके बाद में आगे करवाती हूं जस्ट नोट इट डाउन चलिए इसको इरेस कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं सिक्स हो गए हैं अभी और आगे कर लेते हैं ओके नंबर सेवन काउस बेबी इज कॉल्ड ब्लैंक काउ के बेबी को क्या कहते हैं काऊ के बेबी को बोलते हैं काफ काउ का बेबी होता है काफ देन नेक्स्ट इज किड इज बेबी ऑफ ब्लैंक किड किसके बेबी को बोलते हैं तो किड बोलते हैं गोट के बेबी को गोट्स बेबी इज कॉल्ड किड देन नेक्स्ट इज फोन इज देबी ऑफ ब्लैंक फोन किसका बेबी है फोन जो होता है एनिमल वो बेबी होता है पर किस एनिमल का होता है तो यहां लिखेंगे आप डियर फोन जो है वो डियर का बेबी होता है डैश इज अ बर्ड दैट कैन स्विम कौन सी बर्ड है जो यहाँ पे स्विम कर सकती है तो आप किसी भी बर्ड का नाम लिख सकते हैं जो स्विमिंग करती है थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है मैं इसको सही कर देती हूँ नाउ आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर टू यू अभी रिफ्लेक्शन ख़त्म हो गया है लाइट्स uh, की वजह से वो हो जाता है नेक्स्ट uh, हमारा जो क्वेश्चन है वो है के एक बर्ड बतानी है जो स्विम कर सकती है तो आप यहाँ पर डक लिख सकते हैं और स्वान भी लिख सकते हैं दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं ठीक देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉग फ्रॉग इज इज़ एन डैश जो फ्रॉग होता है वो किस कौन से एनिमल की कैटेगरी में आता है क्या वो एक मैमल है या वो एम्फीबियन है या वो रेप्टाइल है तो हम लिखेंगे यहाँ पर एम्फीबियन फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबियन होता है नंबर ट्वेल्व नंबर ट्वेल्व है This is the last one. Uh, shelter of cow is blank. Shelter of cow. Cow जहाँ रहती है जहाँ पर uh, गाय को रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है उसको कहते हैं shed. S H E D. Cow जो है वो shed में रहती है तो ये आपका एक general revision हो गया है लेसन नंबर फोर्टीन का मैंने क्वेश्चन आंसर uh, नहीं करवाए क्योंकि हम ऑलरेडी वो कर चुके हैं ये पूरे चैप्टर को मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स में कन्वर्ट uh, करके इसको आपको रिवाइज करवाया है चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर फिफ्टीन पे ओके okay. चलिए अभी हम आ, इस चैप्टर के ऑलमोस्ट में सारे करवा चुकी थी चैप्टर फोर्टीन का लेकिन कुछ एक और मुझे समझ में आ रहा है कि हो सकता है ट्वेल्व मैंने कराया ना तो थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन थ्री मोर वी वुड डू तीन और इसमें हम कर सकते हैं क्योंकि सम वॉट इंपॉर्टेंट है वो इसीलिए इसको मैं करवा रही हूँ तो इसमें एक है कि डैश इज अ बर्ड दैट कैनॉट फ्लाई अब आपको यहाँ पे एक बर्ड का नाम बताना है जो उड़ नहीं सकती कोई ऐसी बर्ड जो उड़ नहीं सकती तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑस्ट्रिच आप पेंगुइन भी लिख सकते हैं आप कीवी भी लिख सकते हैं ठीक है इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं या तो ऑस्ट्रिच लिखिए चाहे पेंगुइन लिखिए चाहे कीवी लिखिए ये बर्ड फ्लाइटलेस बर्ड भी इनको बोला जाता है दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड देन नेक्स्ट इज बेबी ऑफ एलिफेंट बेबी ऑफ एलिफेंट इज़ कॉल्ड ब्लैंक बेबी एलिफेंट को क्या कहते हैं चोड्रेन uh, जो, जो हम काऊ की बेबी को कहते हैं वही हम एलिफेंट के बेबी को भी कहते हैं उसको भी हम काफ ही कहते हैं कैमल के बेबी को भी काफ कहते हैं एलिफेंट के बेबी को भी काफ कहते हैं और काऊ के बेबी को भी काफ कहते हैं नेक्स्ट इज हैं डैश हैं को जहाँ रखा जाता है मुर्गियों को जहां रखा जाता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं सी डबल ओ पी कूप कहते हैं हम उसको कूप ठीक देन नेक्स्ट इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव डैश टू फ्लाई जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास भी क्या होते हैं उड़ने के लिए दे ऑल्सो हैव विंग्स उनके भी पंख होते हैं छोटे छोटे पंख होते हैं जिससे कि वो उड़ते हैं और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो उड़ सकते हैं ठीक है उड़ने वाले इंसेक्ट्स भी होते हैं देन नेक्स्ट इज यहाँ पर है डैश इज एन हार्मफुल इंसेक्ट अब यहाँ पे आपको कोई भी एक ऐसे इंसेक्ट का नाम बताना है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है जो हमको नुकसान पहुँचा सकता है तो ऐसे आ, बहुत सारे इंसेक्ट हैं तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मस्कीटो क्योंकि मस्कीटो से बहुत सारे बीमारियाँ होती हैं मलेरिया होता है डेंगू होता है इस तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं Uh, वैसे आप हाउसफ्लाई लिख सकते हैं आप कॉकरोच भी लिख सकते हैं टर्माइट भी लिख सकते हैं क्योंकि टर्माइट जो है हमारे फर्नीचर को नुकसान पहुंचाता है तो एक तरह से हमारे लिए हार्मफुल ही हुआ तो मस्कीटो हाउसफ्लाई टर्माइट कॉकरोच ये सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो आर हार्मफुल फॉर एस अच्छा नेक्स्ट इज नहीं सॉरी हम वन वर्ड नीगेट फॉर एग्जाम्पल डैश इज एन यूजफुल इंसेक्ट अब आपको एक यूजफुल इंसेक्ट का नाम पता ना हार्मफुल तो हमारे पास बहुत हो गए यूजफुल कौन सा होता है इंसेक्ट तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हनी बी हनी बी ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही यूज़फुल इंसेक्ट मानी जाती है क्योंकि वो हनी तो देती है उसके अलावा वो जो पॉलन्स होते हैं फूलों के पराग होते हैं उसको फैलाती हैं और फिर प्लांटेशन में वेजिटेशन में बहुत हेल्प करती हैं देन नेक्स्ट इज़ डैश हैज हम्प ऑन इट्स बॉडी वेयर इट स्टोर्स फैट मतलब कौन सा एनिमल है जिसकी बॉडी पे एक हम्प होता है कूपड़ जैसा निकला होता है और उसमें वो फैट को स्टोर करता है कौन सा एनिमल है कैमल यस कैमल होता है उसकी बॉडी के ऊपर पीठ के ऊपर एक हम्प होता है और उस हम्प में उसका फ़ैट स्टोर्ड होता है जिसको कि जब भूख लगती है तो और उसको अगर खाना नहीं मिल रहा है तो वो उस फैट को यूज़ करता है एनर्जी के लिए तो ये हो गया 19। मैं सोच रही थी कि 20 हमारे कंप्लीट हो जाते तो है ना एक राउंड एक फिगर हो जाता तो ट्वेंटी वाला भी मैं लिखवा ही देती हूँ ठीक है Uh, इसमें हमको लिखना है कि uh, इसमें हम यहां पर है अ डॉग लिव्स इन अ ब्लैंक डॉग्स कहाँ रहते हैं जनरली तो हमारे घर में रहते हैं अगर हमने उसको पेट बना रखा है अदरवाइज उनके लिए अगर हम सेपरेट घर बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कैनल के ई सॉरी के ई एन एन ई एल कैनल ठीक है तो ये हमारे हो गया चैप्टर फोर्टीन हमारा कंप्लीट हो गया मैंने पूरे ट्वेंटी करवा दिए आपको चैप्टर 14 हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम नेक्स्ट uh, वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर फिफ्टीन ठीक है तो गो थ्रू दिस लर्न दिस फिल द ब्लैंक्स इट मे कम इन एनी फॉर्म किसी भी फॉर्म में ये आ सकते हैं ठीक है थीके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू